140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभा का संगणित संस्करण होने के नाते अपने कार्य और स्वरूप में समितियां अपना विशेष महत्व रखती हैं। वे प्रचार प्रसार और दलीय पूर्वाग्रहों से दूर रहकर मौन साधक की तरह अपने अन्वेषण कार्य में लगी रहती हैं। शासन के आलोक में कार्यक्रम और योजनाओं का तटस्थ और वस्तुपरक मूल्यांकन करने वाले इन निकायों के प्रतिवेदनों को प्रायः गंभीरता से लिया जाता है। प्रशासन की भूलों, खामियों और विफलताओं पर पैनी निगाह रखकर ये जनहित की बाज रखवाली करती हैं। संसदीय लोकतंत्र में उनके लिए जो भूमिका और दायित्व निर्धारित किए गए हैं, वे इतने गंभीर और संवेदनशील होते हैं कि इनके कार्यकरण में व्यवधान अथवा विकार भयंकर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए उनकी सिफारिशों को पर्याप्त गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से मैंने पिछले एक वर्ष में अपने कई प्रयास किए हैं। मैंने प्रथम बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रणाली को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। मैंने जुलाई 94 में सखधर समिति की सिफारिशों पर खुला विचार विमर्श करने की दृष्टि से सभापतिगण एवं वित्तीय समितियों के सदस्यों को संगोष्ठी में आमंत्रित किया था। इसमें जो निष्कर्ष उभर कर सामने आए, उनके क्रियान्वयन करने के लिए अगस्त में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और समिति शाखाओं को सक्षम और अनुभवी अमला उपलब्ध कराया गया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अनेक वर्षों से लंबित कार्य को पूरा करने में उन्हें जहां सफलता मिली, वहीं परीक्षण से संबंधित जटिल मुद्दे हाथ में लिए जा रहे हैं। अभियान के तौर पर कामकाज में सुधार संबंधी काम जारी है। केवल आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। प्रशासन पर कार्यपालिका और कार्यपालिका पर विधायिका की पकड़ और अधिक कारगर ढंग से बन सके, इस लिहाज से विषय समितियों के गठन की आवश्यकता है। इस बारे में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अंत में मैं विभिन्न सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी क्षमता से निभाएं और इस दिशा में गतिरोध महसूस होने पर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। हम सर्वदलीय बैठक बुलाकर आपके महत्वपूर्ण सुझाव को विचार विमर्श के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। समिति प्रणाली के सतत व्यवहार से यह परिलक्षित हुआ है तो कहीं अंततः अपने प्रयोजनों में निष्फल भी हुई है। लोकतंत्र में सरकार जनता के माध्यम से चुनी जाती है, अतः वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली और जन अपेक्षाओं को यथा संभव पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में अपनी अपनी भावना और ज़रूरत के आधार पर संसदीय प्रणाली का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। मेरे विचार से कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। प्रजातंत्र प्रणाली के साथ साथ संसद और विधानमंडल का कार्यभार बढ़ने लगता है और विभिन्न कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगता है। तब सदन द्वारा यह विचार किया गया कि ऐसा इस संबंध में क्यों हो रहा है और क्यों कार्य को निपटाना असंभव लग रहा है। तभी यह विचार किया गया कि क्यों ना सदन अपने सदस्यों में से कुछ सदस्य को प्रतिनिधि बनाकर ऐसी समिति का गठन करे जो संबंधित विषय पर विस्तृत विचार करके उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हो गया, जिसका उपयोग आज विश्व की अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा